आज जो है वो हैदराबाद में आए हुए हैं फैसल भाई के सेटअप पे। ठीक है, तो फैसल भाई आए हुए थे दुबई से, तो हम मिलने आ गए उनसे। ये माशाल्लाह छोटे का सेटअप है पूरा ही, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कॉलोनी पीछे आप देख रहे हैं, ठीक है, लंबड़ की ये कॉलोनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चेक करें भाई, लंबड़ की कॉलोनी है। ठीक है, अभी आपको चेक करवाता हूँ। और इसके अलावा सनकिलर का जोड़ा भी आवाज़ आ रही होगी आपको, और इसके अलावा ऑफलाइन वगैरह के पेयर भी हैं। ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, बच्चे भी हैं इनके, तो चले आपको जो है वो पूरी कॉलोनी भी दिखाते हैं और बाकी पेयर भी दिखाते हैं, चेक करें। ये देखिए भाई माशाल्लाह, ये सारे इसमें ज़्यादातर फिशर हैं, और इसके अलावा जो है वो बाकी लंबड़ भी हैं। नहीं मतलब ग्रीन ब्लू वगैरह जो है, ब्लू कसनाटा, ब्लू कसनाटा वगैरह भी है इसके अंदर। तो अभी अंडे देना शुरू कर दिए अभी इन्होंने। जी, सही है। तो मटकियाँ कब लगाई थी आपने? ये मैंने लगाई है दिसंबर में, उसमें क्या सितंबर के आखिर में, सितंबर के आखिर में बारिश होगी वजह से लगाई, बारिश होगी ना। सही सही, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कॉलोनी है और काफ़ी टाइम, कितने साल पुरानी है जगह? ये मेरे ख्याल से 7-8 साल तो होंगे, 7-8 साल। लेकिन क्या है कि अहमदाबाद कोई ना कोई दोस्त आता है, कोई 5 ले जा रहा है, कोई 8 ले जाता है। अच्छा, सही, दोस्ती यारी में ले जाते हैं। सही सही, ये देखिए ब्लैक मार्केट में निकला हुआ है भाई माशाल्लाह, चेक करें ज़रा, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त दाना निकला हुआ है ब्लैक मार्केट। ओलिव है, ओलिव, ओलिव है, ब्लैक मार्केट नहीं है, ओलिव। हाँ, सारे मिक्स करके छोड़े हुए इन्होंने, चौकियाँ रखे हुए हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एक कॉलोनी के अंदर, बड़े रंग बिरंगी से। ठीक है, टोटल ब्लैक मार्केट है, सही सही, रिंग बर्ड है सारे। ठीक है माशाल्लाह, बेहतरीन। अंडे देना स्टार्ट कर दिए अभी, तो चले आपको जो है वो और पेयर भी दिखाते हैं इनके। ये देखें भाई अल्बिनो ब्लैक आई के, ब्लैक आई है, रेड आई है, रेड भी है, ब्लैक भी है। अच्छा, ब्लैक आईज भी है, रेड आईज भी हैं, पेयर देखें। ओलिनो के साथ ऑफलाइन रोशनी रोशनी थोड़ा बोलो, ऑफलाइन और फिक्चर छोड़े हुए इसमें। अच्छा, जाके थोड़ा क्रास लगे, पता चले क्या होता है। हाँ सही सही, मैं तो पता नहीं है, और जेनेटिक कैलकुलेटर अभी अभी ब्रीडिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट किया है उन्होंने। हाँ, ये इसमें इस वाले में ये एक बच्चा है। अच्छा, बहुत सामने वाले ये देख करें माशाल्लाह, ये रेड आई है अभी, पता नहीं पता चल। हाँ बस आ गया, आ गया, आ गया। नहीं ये ब्लैक आई है, दोनों ब्लैक आई है ना। हाँ, दोनों ब्लैक आई है, देखिए माशाल्लाह। रेड आईज इनकी बच्चों की जो माँ है ना, वो रेड आईज है। अच्छा, मतलब ब्लड लाइन रेड आईज वाली है। जी जी, ब्लड लाइन इनकी रेड आईज में। ठीक है भाई, ठीक है माशाल्लाह। बैठी है, काफी दूर है तो हाथ जा नहीं रहा, तो आपको दिखा रहे हैं फिर भी कोशिश करिए। ये देखिए अंडे के अंदर भी बैठी है, ब्लैक आई है ये, नहीं ये रेड आई है, रेड आई है। मैंने चरबा खुद से बना के छोड़ा है। अच्छा, पता चले आखिर होता क्या है, होता है नहीं रहे, बिजनेस नहीं कर रहे तो तजर्बा तो करें, तजर्बा करें, तजर्बा, बिल्कुल बेहतरीन तजर्बा हो रहा है माशाल्लाह। ये देखें भाई माशाल्लाह, इसके अंदर ब्लू भी है, लोटिनो पसनाटा ब्लैक आई भी है, बेहतरीन। ये देखें माशाल्लाह भाई, इसके अंदर ऑरेंज हुड ऑफलाइन भी है। ठीक है, ये आप चेक करें, ये फैसल भाई को हमने हमने भेजे थे, ये वही है ना चाचा? हाँ हाँ, इसमें ये 4 महीने छोड़ेंगे। हाँ हाँ, चारों लंबड़ ये आपने छोड़े। हाँ सही सही, तो ब्रीडिंग की है माशाल्लाह इन्होंने। हाँ, माशाल्लाह ब्रीडिंग शुरू है, इसने एक ने की है। अच्छा, अब दूसरे जो है, ये पिछली दफा भी ये बच्चे निकले हैं क्या? हाँ ना, ये निकले हैं, ये जो हरा सा नहीं बैठा ये। हाँ, हाँ, हाँ। पर ये इन्हीं का बच्चा है, और जो ओरला वाला ये भी इसका बच्चा है, वो जो बैठे लाल चोट से वो भी इनके बच्चे हैं। अच्छा सही सही, काफ़ी मतलब ब्रीडिंग की है माशाल्लाह।
आपने 6 भेजे थे मेरे ख्याल से, 8-10 तो हो ही गए थे। अच्छा ये देखिए भाई ऑफलाइन ऑरेंज हुड बने हैं हमारे, ये ऑफलाइन देखिए ऑरेंज हुड। अब देखें वो क्रॉस लगा तो रेड हुड जो है वो थोड़ा सा ग्रीनिश आ गई है रेड हुड के ऊपर। रेड हुड जो था ग्रीन ग्रीन हो गया। नहीं ये मैंने 4 में छोड़े, नहीं वो जो बैठे हुए है ना। अच्छा, बैठे हुए वो बैठे हैं उसके उसके चेहरे पे देखिए थोड़ा ग्रीन ग्रीन हो गया। ये जो है ना बच्चे, ये आप ही के पैर के बच्चे। अच्छा। इसमें कोई भी यानी के ऐसे नहीं है। मैंने एक सफेद रेड आईज माटी छोड़ी है, उसके 2 बच्चे हुए, एक ये सामने बैठा ना लाल चोंच के साथ। हाँ हाँ हाँ। एक ये है। अच्छा हाँ वो जो सामने बैठा हुआ है उस लोहे पर। हाँ। कोने में सही से। हाँ 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 देख रहे हो। हाँ। ये उस अल्बिनो माटी में से निकला। अच्छा अल्बिनो रेड आईज का निकला। रेड आईज से इसका जो नर था वो आप वाला नर था, क्योंकि उसमें 2 पैर थे 2 नर थे। अच्छा हाँ तीनों पैर नहीं थे आप वाले। सही 2 पैर थे 2 नर थे। उन 2 नर के लिए मैंने 2 मादी छोड़ी। माशाल्लाह काफ़ी तादाद हो गई है फिर। हाँ और अभी और ज़्यादा हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह। वो कैसा अजीब बच्चा निकला है वो सामने मछली के पीछे जो बैठा है। हाँ ये है ना ये। हाँ जी ये वाला। ये क्या बात है यार, इसकी तो हेड और डार्क हो गई है। डार्क हो गई है और वो चेहरे पे निशान आ गया। चेहरे पे ग्रीन निशान आ गया। हाँ खूबसूरत निकला यार, लेकिन फेस चेक करें और इसको हल्का सा रिंग दिया है। हाँ माँ की वजह से। अगर इसमें रिंग आगे आ जाता है जिसमें में तो बेहतर ही है। बेहतरीन। अब इसको मैं क्रास लगाऊंगा फीचर से। यूमिन निकल रहा है ये तो थोड़ा थोड़ा सा पीछे से देखें इसके पीछे योगिंग निकल गया था फिर तो बहुत महंगा दाना। ये देखें भाई ये सन के डोर है माशाल्लाह, 2 दफ़ा एग दिए लेकिन फर्टाइल नहीं हुए एग इनके। ये चेक करवाओ ये इनके DNA के साथ है क्या? DNA के साथ है, दोनों नर मादी है। अगर ज़्यादा होते ना दोनों मादी होती तो कम से कम 10 अंडे आते। अभी कितने आ रहे हैं? 5। एक दफ़ा पहले दफ़ा 6 थे। अच्छा फिर दूसरी दफ़ा 5, तीसरी दफ़ा भी 5। सही सही। अभी सीज़न आएगा दोबारा इनका। हाँ बस अभी आके आने वाला है। ये पर झड़ने इनके साथ ये पर झड़ने के सीज़न है ना अगस्त के बाद। हाँ हाँ सही है, झाड़ का सीज़न है। सीज़न ही झाड़ का। सही सही। और ये चकोर जोड़ा है इसमें भी अंडे नहीं, अब ये बच्चे तैयार होने वाले। अच्छा अब देंगे कितने टाइम में होते हैं तैयार? कम से कम 3-4 साल तो लेते हैं तैयार। हाँ 1.5 साल तो मेरे पास ही हो रहा है, बच्चे आए थे। सही 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 माशाल्लाह। अच्छा ये किसी नजर के लिए भी रखते हैं ना लोग यहाँ पे? हाँ नहीं वो मेरे दोस्त हैं कोयटा से, वो लेके आए थे। अच्छा अच्छा सही नजर के लिए। ओके व्यूअर्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गाँव में याद रखिएगा।